गांधीनगर के महाराणा प्रताप के अंदर जायजा लेने पहुंचे विधायक अनिल बाजपेयी और जनता की सुनी समस्याएं। आप देख सकते हैं कि गांधीनगर का महाराणा प्रताप है, इस महाराणा प्रताप को लेकर पहले भी उपराज्यपाल से मिल चुके हैं कि इसका सौंदर्यकरण करने के लिए जहां कुछ योगा करते हैं उनको औस में दिक्कत होती है, जिसके लिए चबूतरे बनवाने हैं, और आज उसी का पूरा जायजा लेने पहुंचे हैं। और इस मामले में विधायक अनिल बाजपेयी ने क्या किया, हम सुनाते हैं उनकी बाइट। जी, अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले महाराणा प्रताप पार्क के आसपास के RWS और सीनियर सिटीजन लोग मेरे कार्यालय में आए थे। आज मैंने इसी के लिए दौरा किया, मैंने सारे BDO के जो अधिकारी हैं उसको मैंने बुलाया, क्योंकि ये काम अभी मैं जब BDO के वाइस चेयरमैन साहब से मिला था तो काम था वो मैंने सेंक्शन करा दिया। अभी भी मेरे पास सारा काम मैंने सेंक्शन कराया, जिसके बारे में जानकारी भी लेनी थी, और इसमें जो बाहर टॉयलेट्स हैं वो लगा दिया जाएगा और जो पिकअप गेट हैं वो भी लगा दिए जाएंगे, और बाकी जो फाउंटेन यहाँ पर लगा हुआ था फाउंटेन को आजकल वो हाईकोर्ट के आदेश से बंद हो गए हैं, तो फाउंटेन के आसपास काफ़ी घूस लगी हुई है, उसको इस एंगल में करा के उसके चारों तरफ फूल पौधन और वो कराया जाएगा, और जो जो भी काम रह गए हैं वो कराए जाएंगे। आज यहाँ के लोगों ने हमारे सामने मांग रखी थी, ऐसी ही मांग कल बैडमिंटन कोर्ट का जब मैं उद्घाटन करने गया तो वहाँ पर तलाश नगर में भी लोगों ने रखी, उनका यहाँ की RWS आज जो आई थी उनका मानना कामना था कि हम लोग योगा करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं, कई बार ओस पड़ती है, कई बार बरसात भी आ जाती है, तो जिस तरीके से मैंने बैठने के लिए चौतरे बनवाए हैं यहाँ पर और गोल मेज लगाई है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जनवरी में फंड आ जाएगा MLA फंड, तो मैं पूरी विधानसभा के हर पार्क में योगा करने के लिए सेट डलवाऊँगा, ऐसा ही एक दो सेट महाराणा प्रताप पार्क में भी डलवाए जाएंगे, और मैं BDO के अधिकारी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा,